नमस्कार दोस्तों, मैं रोहितास यादव विनायक कोचिंग पलसाना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं भारतीय इतिहास की। और प्राचीनकालीन भारतीय इतिहास की बात चल रही थी, उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का। आज दूसरे टॉपिक पर चर्चा करते हैं दोस्तों, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का समय है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व या बीसी, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं अपन, बीसी या ईसा पूर्व के बारे में। वैदिक सभ्यता दोस्तों बात करेंगे कि जिस काल में वेदों की रचना हुई उस काल को क्या कहा जाएगा, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये लगभग 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य इसका विकास हुआ था, इस काल के दौरान की सभ्यता है, ये इसका कालक्रम माना गया है वैदिक सभ्यता का। अब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विंटरनिट्ज के द्वारा इन्होंने वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में किया है, वैदिक सभ्यता का विभाजन। और इसके दो भाग बताए गए हैं, एक तो है ऋग्वेदिक काल, और दूसरा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की बात करें तो इसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य विस्तृत थी उत्तर वैदिक काल। फिर बात करते हैं दोस्तों कि जो वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। संस्थापक थे आर्य लोग, संस्थापक आर्य लोग माने गए हैं। अब इन आर्यों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, विभिन्न विद्वानों के अनेक मत प्रचलित हैं, और उन मतों में हम बात करेंगे कि किस विद्वान के द्वारा कौन सा मत दिया गया था, यानी किस विद्वान ने कौन सा मत दिया है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, माना गया है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, यानी इनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव था। और उत्तरी ध्रुव किसने माना है, ये माना है दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य तिलक का मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, तिब्बत प्रदेश इनका मूल स्थान माना है दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा माना गया है कि ये तिब्बत प्रदेश से आए थे। इनके अलावा जर्मनी का मूल निवासी माना है ये पैन का, दक्षिणी रूस गार्डन चाइल्ड, और एक थे नेहरिंग, इन्होंने माना है। इनके अलावा दोस्तों बात करें तो राजबली पांडे के द्वारा, राजबली पांडे इनके द्वारा माना गया है मध्य देश,
मध्य एशिया कह सकते हैं कि गंगा और यमुना दोआब, गंगा यमुना नदी का जो दोआब क्षेत्र है वो माना गया है। डॉक्टर संपूर्ण आनंद स्वामी के अनुसार जो ब्रह्मर्षि या कह सकते हैं कि यह सप्त सिंधु प्रदेश ये सप्त सिंधु प्रदेश माना है डॉक्टर संपूर्णानंद स्वामी। और एक थे अविनाश चंद्र, इनके द्वारा माना गया है दोस्तों कि आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक तो बात करेंगे कि मैक्स मूलर, जो मैक्स मूलर हैं इनका मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे, इनका मूल निवास था मध्य एशिया। इनके अलावा हंगरी या डेन्यूब घाटी अंग्री से माना है गाइल्स ने। तो दोस्तों ये सभी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रचलित किए हैं किन को लेकर, आर्यों को लेकर, कि आर्य लोग ये विभिन्न प्रदेशों से आए हुए थे, ये भारत की मूल जाति नहीं माना है इन लोगों ने। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, अपना टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की जिस काल में वेदों की रचना हुई वैदिक सभ्यता का काल कहलाएगा। इस काल की अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस काल के दौरान वैदिक सभ्यता विकसित होती है। अब एक विद्वान थे विंटर निट्ज़, और इनके द्वारा इस समय को लेकर वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था इसे ऋग्वेदिक काल कहा गया, यानी इस काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी। बाकी जो उत्तरवेदिक काल है, उत्तरवेदिक काल में बाकी के तीनों वेदों की रचना होती है, और इस काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर बात करते हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता या जो वैदिक काल था, इस वैदिक काल के संस्थापक, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल इनके जो संस्थापक थे वो कौन माने गए हैं? आर्य, आर्यों को इनका संस्थापक माना गया है। और इन आर्यों के बारे में उत्पत्ति को लेकर, कि आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं, अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो उनमें बात करते हैं अपन। पहले अपन ने पढ़ा कि उत्तरी ध्रुव के निवासी माना है किसने? लोकमान्य तिलक ने। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम ध्यान रखोगे, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। इस पुस्तक में इनका उल्लेख मिलता है। दयानंद सरस्वती के ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश में माना गया है कि ये तिब्बत प्रदेश से आए थे। इनके अलावा जर्मनी के रहने वाले थे पेनका, इनके इन्होंने सॉरी ये पेनका विदेशी थे, और पेनका ने माना है कि ये जर्मनी से आए थे। गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग, इन विद्वानों ने माना है कि ये दक्षिणी रूस से आए थे। इनके अलावा मैक्स मूलर, इन्होंने माना है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। गाइल्स का मानना है कि डेन्यूब घाटी या हंगरी से आए थे ये। और इनके अलावा दोस्तों जो राजबली पांडे हैं, राजबली पांडे का मानना है कि गंगा और यमुना नदी का दोआब क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है या मध्य देश, वहां के मूल निवासी माने गए हैं। और राजबली पांडे की पुस्तक का नाम है दोस्तों हिंदू संस्कार। हिंदू संस्कार पुस्तक में इस बात का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा सप्त सिंधु प्रदेश की इस काल में हम कुछ नदियों की बातें करेंगे, सरस्वती, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ऐसे लगभग सात नदियों की बात करेंगे। और इन सातों नदियों के बहने का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहलाता है दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश। तो डॉक्टर संपूर्णानंद स्वामी और अविनाश चंद्र, इनका मानना है कि ये जो आर्य लोग थे इनका मूल निवास स्थान था सप्त सिंधु प्रदेश। तो एक बार
अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिर बात करते हैं इससे आगे कि हम इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे हम ऋग्वेदिक काल की। ऋग्वेदिक काल का समय पड़ा अपने 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये तो था इसका समय। अब ये जो ऋग्वेदिक काल है या जो संपूर्ण वैदिक सभ्यता है, इनकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो वैदिक सभ्यता या जो ऋग्वेदिक काल है, इनकी जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। तो जानकारी के स्रोतों में पहले बात करेंगे हम बोगजकोई के अभिलेख की। बोगजकोई अभिलेख या शिलालेख, दोस्तों इस शिलालेख में मतियुजा, लिबिना वगैरह ऐसे कुछ राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है और वैदिक काल के कुछ देवता हैं जैसे इंद्र है, इंद्र, वरुण, मरुत, ऐसे कुछ देवता हैं। इन देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है कि ये जो मतियुजा नाम का राजा था, इनका अपने समकालीन राजाओं से एक संधि होती है और उस संधि में इन देवताओं ने मध्यस्थता निभाई थी। इस बात का जिक्र किया गया है बोगजकोई के शिलालेख में। तो एक तो बोगजकोई का शिलालेख, ये एक पुरातात्विक शिलालेख है जिसमें हमें जानकारी मिलेगी इस वैदिक सभ्यता के बारे में। इनके अलावा हरियाणा में भगवानपुरा गांव यहाँ से एक 13 कमरों का भवन प्राप्त होता है और उसको भी माना गया है कि इस भवन का, भगवानपुरा से जो भवन प्राप्त हुआ है 13 कमरों का, उसका संबंध भी वैदिक सभ्यता से है। फिर बात करते हैं जानकारी के स्रोतों में वैदिक साहित्यों की। वैदिक साहित्यों की बात करेंगे, एक तो देखो जानकारी के स्रोतों में वेद और एक ग्रंथ की बात करेंगे जैंद अवेस्ता। जैंद अवेस्ता एक पारसी ग्रंथ है, इससे भी जानकारी मिलेगी और वेदों से भी जानकारी मिलेगी। तो हम बात करते हैं वैदिक साहित्यों की। देखो इनमें एक क्वेश्चन तो यूं बन सकता है कि निम्न में से कौन से वैदिक साहित्य हैं या कौन से वैदिक साहित्य नहीं हैं। तो जो भी वैदिक साहित्य हैं हम उन सभी की चर्चा करेंगे। वेद पढ़ेंगे, आरण्यक ग्रंथ पढ़ेंगे, आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, इन सब के बारे में, रामायण, महाभारत वगैरह जो भी ग्रंथ वगैरह हैं, महाकाव्य वगैरह हैं, उन सब की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। तो वैदिक साहित्यों में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे वेदों की। वेदों की बात करते हैं, पहला वैदिक साहित्य ग्रंथ अपना वेद। वेदों के बारे में ध्यान रखोगे कि प्रारंभ में जो वेद थे वो सुनने की परंपरा पर आधारित थे। वेद केवल सुनने की परंपरा पर आधारित थे। दोस्तों वेद ये लगभग अपने सुना है कि वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। आज हम वेदों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है और विद का अर्थ होता है दोस्तों जानना। संस्कृत के विद धातु से वेद शब्द बना है और विद का मतलब होता है दोस्तों जानना।
वेदों के जो संकलनकर्ता हैं, संकलनकर्ता वो है कृष्ण, द्वैपायन, महर्षि वेद व्यास जी। इनके द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। फिर बात करते हैं वेदों के उपनाम कौन कौन से हैं। तो वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, श्रुति कहा जाता है और संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वेदों के उपनाम अगर पूछे जाए तो अपौरुषेय, अपौरुषेय क्या होता है? तो अपौरुषेय का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे ग्रंथ जो ऋषि मुनियों के द्वारा, ईश्वरीय प्रेरणा को आधार मानकर लिखे गए हों, या इनकी रचना की गई, ये ऋषि मुनियों के द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा को आधार मानकर इनको लिखा गया है, इसलिए इन ये क्या कहलाए? अपौरुषेय कहलाए। श्रुति प्रारंभ में सुनने की परंपरा पर आधारित, थे, इसलिए श्रुति ग्रंथ कहलाए। बाद में उनको लिपिबद्ध किया जाने लगा, इसलिए संहिता कहलाई। दोस्तों शुरुआती तौर पर ये जो वेद थे ये केवल सुनाए जाते थे, ऋषि मुनियों के द्वारा जो ये अपने शिष्यों को सुनाए जाते थे। फिर किसी ने सोचा भाई ये हम सुनेंगे तो ये कितने दिन तक याद रहेगा, तो क्यों ना इनको कंठस्थ किया जाए या लिपिबद्ध किया जाए, लिखा जाए। तो इनका संकलन किया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा इनको लिखा गया। तो लिखा जाना या लिपिबद्ध, लिखा जाने के कारण, इनको कहा गया है संहिता। लिपिबद्ध या लिखे जाने के कारण ये संहिता ग्रंथ कहलाए। श्रुति श्रवण परंपरा पर आधारित, सुनने की परंपरा पर आधारित होने के कारण और संहिता इनको लिखा गया, इसलिए संहिता कहलाई। अपौरुषेय ऋषि मुनियों द्वारा ईश्वरीय प्रेरणा को आधार मानकर इनको लिखा गया है, इसलिए दोस्तों वेदों को क्या कहते हैं? अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए कि वेदों के उपनाम कौन कौन से हैं, तो अपौरुषेय, श्रुति, संहिता इन नामों से भी जाना जाता है। संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी, और वेद शब्द ये संस्कृत के विद धातु से बना है और विद का मतलब होता है दोस्तों जानना। अब बात करते हैं कि वेद कुल कितने होते हैं, तो वेदों की कुल संख्या 4, और इनके सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते चलेंगे। अभी चलिए पहला वेद पढ़ते हैं हम, ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करेंगे दोस्तों। ऋग्वेद ये संस्कृत के ऋक् शब्द से बना है और ऋक् या ऋचा या इनका मतलब होता है दोस्तों मंत्र। संस्कृत के ऋक् शब्द से बना है एक या ऋचा, ऋचा का मतलब होता है दोस्तों मंत्र। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, है
इसमें 10 मंडल और 1028 सुक्त हैं। 10 मंडल हैं और 1028 सुक्त हैं। इनके अलावा ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 3 भाग हैं। वाकल, वालखिल्ले और साकल। ऋग्वेद के कुल कितने भाग हैं दोस्तों? 3 भाग। एक है वाकल, वालखिल्ले और साकल। ये ऋग्वेद के 3 भाग हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अब बात करें इन 10 मंडलों की, तो इन 10 मंडलों में 1 और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल, ये सबसे नए मंडल हैं। यानी इनको सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे नए मंडल। जबकि 2 से लेकर 9 तक के मंडल हैं वो सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं। 2 से 7 तक के मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। 2 से 7 तक के नाम से जाना जाएगा। अब इन मंडलों की जो रचनाएं हैं, यानी बात करें इनके रचनाकारों की, तो रचनाकारों में गृत समद ऋषि, भारद्वाज ऋषि, वामा ऋषि, भार्गव ऋषि, पैलोमी, सची, इनके अलावा और भी काफ़ी सारे ऋषि मुनि वगैरह हैं जो जिनके द्वारा लिखे गए हैं। तो 2 से 7 तक के मंडल गोत्र मंडल, यानी एक गोत्र विशेष के ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए इनको गोत्र मंडलों के नाम से भी जाना जाएगा। इनके अलावा दोस्तों बात करें तो इनके जब मंडलों की चर्चा करते हैं, तो मंडलों में देखो सब जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल में अग्नि सूक्त का उल्लेख मिलेगा। प्रथम मंडल में अग्नि सूक्त, इसमें अग्नि सूक्त है और अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। प्रथम मंडल के अग्नि सूक्त भाग में अग्नि का उल्लेख मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों जो 9वां मंडल है, ये भगवान सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित। इनके अलावा जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल की अगर बात की जाए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में, 10वें मंडल में है पुरुष सूक्त भाग, और पुरुष सूक्त भाग में दोस्तों 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूछा जाए कि सबसे पहले चतुर्वर्ण व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है, तो 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त भाग, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में सबसे पहले 4 वर्ण देखने को मिलेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर ये चर्चा हम राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में भी करेंगे। यहाँ पर ये जो क्षत्रिय शब्द है, यहीं से भी राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है, यहाँ से भी राजपूतों की उत्पत्ति होती है। तो 4 वर्णों की व्यवस्था वगैरह है, कौन से भाग में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में इनकी व्यवस्था चतुर्वर्ण व्यवस्था मिलेगी। चतुर्वर्ण व्यवस्था, इनके अलावा दोस्तों बात की जाए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। 25 नदियों का उल्लेख मिलेगा।
ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी यानी सबसे प्रमुख नदी तो माना गया है सिंधु को, सिंधु जिसे इंडस कहा गया है, सिंधु सरस्वती जिसे दृष्टौती कहा गया है, झेलम जिसे वितस्ता कहा गया है, चिनाब अस्किनी कहा गया है, रावी या परुषनी कहा गया है, व्यास जिसे विपासा कहते हैं, ऐसे इन नदियों का उल्लेख मिलता है। इनमें अगर पूछी जाए कि ऋग्वेदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी जबकि सबसे पवित्र नदी मानी गई है किसको, सरस्वती नदी को, और इन सभी सिंधु झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज इन सभी नदियों से संबंधित जो प्रदेश है उसको दोस्तों कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। एक बार फिर से देखते हैं वैदिक साहित्य में सबसे पहले पढ़ने बात की वेदों की, वेदों में सबसे पहले बात की अपने ऋग्वेद की। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा वेद है, उत्पत्ति ऋक् सबसे उत्तीरिक ऋचा या मंत्र सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, 3 इसके भाग हैं, इनके अलावा 5 शाखाएं भी इसकी संखायन वगैरह हैं, अश्वलायन वगैरह हैं, वाकल वगैरह, ऐसे 5 शाखाएं भी हैं इसकी जिनमें केवल वर्तमान में साकल मौजूद है। इनके मंडलों की बात करें तो मंडलों में पहला और दसवां मंडल सबसे नई मंडल हैं जो सबसे अंत में जोड़े गए थे, जबकि ये सबसे नए मंडल सबसे अंत में जोड़े गए हैं, और 2 से 9 तक के मंडल सबसे प्राचीन हैं। 2 से 7 तक के मंडल गोत्र मंडल हैं क्योंकि इनको एक विशेष गोत्र के ऋषियों द्वारा लिखा गया है जिनमें गृत्समद है, विश्वामित्र जी हैं, भारद्वाज, वामा, भार्गव, पैलोमी, सची, लोपामुद्रा, काक्षाव्रति, ये कुछ विदुषी हैं, ये विदुषी महिलाएं हैं, इन सब ये सब इनके रचनाकार माने गए हैं। इनके अलावा पहले मंडल के अग्निसूक्त भाग में अग्नि देवताओं का उल्लेख मिलता है, 10वें मंडल में उल्लेख मिलेगा पुरुष सूक्त भाग में चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों की सबसे पहले व्यवस्था, कि सबसे पहले 4 वर्ण हमें पुरुष सूक्त भाग यानी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में देखने को मिलेंगे। इनके अलावा गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलेगा, ऋग्वेद में गायत्री मंत्रों का उल्लेख, गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ये 3 भाग वास्कल, वालखिल्ले और साकल, ये इनके 3 भाग हैं, 5 शाखाएं हैं इनकी। 9वां मंडल सोम को समर्पित है इसलिए इसे सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है, इनमें गायत्री मंत्रों का उल्लेख मिलेगा। इनके अलावा दोस्तों विश्व के यानी यूं कह सकते हैं कि विश्व के प्रथम युद्ध जो दसरागे युद्ध माना गया है, दसरागे युद्ध का भी उल्लेख मिलता है इसमें। दसरागे युद्ध की चर्चा करते हैं दोस्तों कि ये जो दसरागे युद्ध था ये क्या था, किस प्रकार से हुआ था दसरागे युद्ध। तो दोस्तों हम यहां पर चर्चा करेंगे कि ये दसरागे युद्ध क्यों हुआ था। दस राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध, ये रावी या जिसे परुषनी नदी कहते हैं, पहले इसका नाम था वैदिक काल में परुषनी नदी, तो रावी या परुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था 10 राजाओं के बीच, आर्य और अनार्य कबीले के अनार्य कबीलों के बीच। क्यों होता है, तो ये जो दसरागी युद्ध था राजा सुदास, ये जो राजा सुदास थे, पहले देखो दोस्तों वैदिक काल में हम चर्चा करेंगे पुरोहित, यानी वैदिक काल में सबसे पहले बात करें तो इनका मुख्य व्यवसाय लोगों का पशुपालन हुआ करता था, पशुपालन कृषि, और पशुपालन में ये लोग गायें पालते थे
गायों की चोरियां ज़्यादा होती थी और चोरों से गायों की रक्षा करने वाले को गोपता कहा गया है, गोपता या गोपा। जन शब्द पहली बार अस्तित्व में आता है, जनपद फिर जन से बना, जनपद जनपदों से बनता है महाजनपद। तो ये जो राजा सुदास थे, इन राजा सुदास यानी राजा के बाद जो प्रमुख पद होता था वो था पुरोहित का पद। राजा सुदास ने अपने पुरोहित, अपने जो पुरोहित थे इनके ऋषि वशिष्ठ, उनको पुरोहित पद से हटा दिया था और विश्वामित्र जी को बना लिया था, इसलिए इसी बात को लेकर इनमें युद्ध होता है और राजा सुदास की इस युद्ध में जीत हुई थी, जिसे दशराज्ञी युद्ध के नाम से जाना जाता है। हालांकि आगे चर्चा करेंगे हम इस युद्ध के बारे में। तो दोस्तों ये तो था अपना ऋग्वेद। ऋग्वेद सप्त सिंधु प्रदेश में लिखा गया है और इसके लिखने की जो अवधि है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया है। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की गई थी ऋग्वेद की रचना। इनके अलावा दोस्तों हम ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में अभी अपन ने बात की कि यहाँ पर कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन दोस्तों कहीं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में आपको यहाँ पर 21 नदियों का भी उल्लेख मिल सकता है। तो वैसे 25 नदियाँ मानी गई हैं तो 21 नदियों का भी उल्लेख मिलता है। इनके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन नदियों के बारे में बात करें तो नदियों में देखो ध्यान रखोगे कि जो सबसे प्रमुख नदी थी वो बात की अपन ने सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी और इन सभी नदियों का उल्लेख मिलता है दसवें मंडल के नदी सुक्त भाग में, इन नदियों का उल्लेख मिलेगा। अब ये जो सरस्वती नदी थी ये सबसे पूजनीय नदी इसे अग्रवती नदी कहा गया है। अग्रवती नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ नदी माना गया है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे पंचविस और जैमिनी उपनिषद की और इनमें चर्चा की गई है कि ये सरस्वती नदी लुप्त हो गई और ये नदी लुप्त होने के बाद सिंधु नदी इस काल की पूजनीय नदी हो जाती है। उसके बाद लुप्त होने के बाद सिंधु नदी इसकी पूजनीय नदी मानी गई है। तो सरस्वती नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इनके अलावा काबुल, जो गोमल या गोमती, कुभ्रा, कुर्रम, ऐसे बहुत सारी नदियों के उल्लेख मिलते हैं। गंगा नदी का भी एक बार चर्चा हुई इसमें, यमुना नदी का भी उल्लेख किया गया है इसमें, पराशर वगैरह, ऐसे कई सारी नदियों का उल्लेख किया गया है इस काल में जो ऋग्वेद में, इन सभी का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये तो अपना पहला वेद है ऋग्वेद। इनके अलावा जो शुरू के तीन वेद पढ़ेंगे हम, उन तीन वेदों को त्रयी कहा गया है। त्रयी, प्रारंभ के तीन वेद त्रयी कहलाएंगे। तो पहला वेद ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद दोस्तों चर्चा करते हैं हम सामवेद की।